नमस्कार, एम्पायर टुडे में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उत्तर भारत में आंधी तूफान और बारिश का कहर, यूपी में गई 2 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने और दीवार ढहने से 9 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे दोनों जगहों से हुए बंद। हेमकुंड जाने वाली यात्री भी रास्ते में फंसे। देश भर में किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन। सब्जियों और दूध की सप्लाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी, कई राज्यों में सब्जियों के दाम भी बढ़े। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज। सीतामढ़ी में दर्ज हुआ मामला, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का आज तीसरा दिन। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से मिले मोदी, दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर बात। कैराना उपचुनाव में हार के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा कांग्रेस परिवार, महागठबंधन को बताया नापाक, बोले मोदी विरोधी जीतने के लिए विकास की कर रहे हैं बातें। आईपीएल सट्टेबाजी में बड़ी, आर्चर अरबाज खान की मुश्किलें, थाने पुलिस आज कर सकती है पूछताछ। एक सटोरिए के डायरी में मिला अरबाज खान का नाम। और तमाम उठापटक के बाद आखिरकार किम जोंग से मिलने के लिए राजी हुए डोनाल्ड ट्रंप। 12 जून को सिंगापुर में होगी दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत। इस बार के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।